हेलो दोस्तों, एड गो चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हर्लपूल का जो फ्रिज है डबल डोर का, उसकी कूलिंग नहीं हो पा रही है। उसमें कुछ इशू है, फ्रिज की आवाज़ आ रही है और एक मिनट के बाद कंप्रेसर बंद हो रहा है, फिर से चालू हो रहा है। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं दोस्तों, अंदर की चीज़ें सब खराब हो गई हैं। अब मैं देखना चाहूँगा कि क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे रिपेयर करना। तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे कंप्रेसर के पास हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इसका, ये देखिए, ये पहले इसका कवर निकालेंगे और इसके अंदर जो स्टार्टर रिले है, क्या वो ठीक है या नहीं, उसे हम जस्ट कंफर्म करेंगे। सबसे पहले इस क्लैंप्स को खींच करके बाहर निकालना है। ये देखिए, दोनों तरफ इसी टाइप के क्लैंप्स हैं, ये स्टेनलेस स्टील की। उनको निकालना है स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखिए, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही हम इसे निकाल पाएंगे। पीछे से हाथ यहाँ पे डालने के लिए जगह नहीं है। सबसे पहले एसी ऑफ करें दोस्तों, ध्यान रखें एसी ऑफ करें। और इसके साइंस में फिर से एक बार बता दूँ, कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा है क्लिक साउंड के साथ। अभी साइंस इस फ्रिज में है, कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा है क्लिक साउंड के साथ और कूलिंग नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्चुअल जो ये नीचे ब्लैक कलर का पार्ट है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए, जिसमें दो पिंस लगे हुए हैं, इसे कहते हैं स्टार्टर रिले। इस पार्ट को हम अभी निकालने वाले हैं। ये देखिए, इसमें तीन पिंस लगे हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है निकालने के लिए, हल्का सा जोर लगाएंगे तो निकल जाएंगे। ये देखिए, ये हमने निकाल दिया है दोस्तों। ये देखिए, इस टाइप का ये रिले होता है और आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि क्या ये ख़राब हुआ है। इसका पर्टिकुलर नंबर होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं QP215, ये इसका नंबर है दोस्तों। यही, ये देखिए, अगर इसे हम हिलाएँ तो एक आवाज़ आ रही है अंदर से, जैसे कुछ लूज़ पार्ट हो। इसका मतलब है उसमें अंदर का जो सिस्टम है रिले का, वो ख़राब हो गया है, टूट गया है। अभी हमें इसके लिए दूसरा रिले लाने की ज़रूरत है। ये याद रखें, QP215 इसी टाइप का रिले हमें चाहिए। और इस रिले को हम अगर लाएंगे तो क्या ये फ्रिज फिर से ऑपरेट करने लगेगा, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि इस रिले में एक्चुअल क्या, हम इसे खोल सकते हैं और इसमें एक्चुअल क्या डैमेज हुआ है, हम थोड़ा सा देखेंगे। इससे हमें दोस्तों ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए कोई भी टूटी फूटी इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसे हमें ज़रूर खोल के देखना चाहिए दोस्तों। देखिए, यहाँ से दोनों साइड से इस क्लिप को अगर हम निकालेंगे तो हम इसे ओपन आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। मार्केट में अगर इस रिले को आप खरीदने जाएं, ऑनलाइन खरीदने जाएं, तो इसकी कीमत लगभग 600 रुपये के आसपास है। और मैंने सिर्फ ऑफलाइन कंफर्म करना चाहा तो मुझे 300 रुपये के आसपास ये रिले मुझे मिल गया। ये देखिए दोस्तों, इसमें टूटा हुआ कुछ पार्ट है, इसका मतलब ये डैमेज है पूरा रिले। यही पीस हिल रहा था अंदर और कट कट के आवाज़ आ रही थी। ये देखिए, ये टूट गया है दोस्तों। ये देखिए, ये पूरी तरह कैसे डैमेज हो गया है, इसका कोई यूज़ नहीं। एकदम सिंपल सी मैकेनिज्म है दोस्तों इसमें, लेकिन इसकी कीमत ऑनलाइन आपको 600 के आसपास पड़ेगी, ऑफलाइन मुझे 300 में मिल गया है। अगर आपको नहीं मिलता है ऑनलाइन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं परचेज़ की लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप देखिए।
ये देखिए मैंने मार्केट से परचेस करके ये लाया है, ऑलमोस्ट सिमिलर है दोस्तों, थोड़े से नाम वगैरह डिफरेंट है, ये देखिए थोड़ी सी कंपनी डिफरेंट है, लेकिन पिंस वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। देखिए आप सभी चीज़ों के फ़ोटो निकाल के रखिए दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरीके से इसके वायर्स के वगैरह फ़ोटो निकाल के रखें, जब भी अगर आप इससे फिश को ओपन करके इस प्रकार से रिले चेंज करना चाहें तो। और इन तीनों पिंस को लगाएं, ये जो डबल वायर वाली पिन है इसको यहाँ पे राइट में ऊपर लगाएं, फिर ब्लू वाली वायर है उसको नीचे लगाना है, और जो पिंक वाली वायर है वो लेफ्ट साइड में लगानी है। ये देखिए ये हम एक हाथ से मुझे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। और देखिए मैंने इसे जोड़ दिया है सभी तीनों वायर्स को। और दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे एसी के आपकी प्लग जो है, जो आपने ऊपर लगाते हैं एसी में, उसे ज़रूर निकाल दें। जब भी प्लग चालू है तब इसे ऑपरेट ना करें दोस्तों, कहीं पर भी हाथ ना लगाएं, जोर का झटका लग सकता है और बहुत ही डेंजर हो सकता है। अगर आप किसी टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो ये ऐसी काम जो है ये आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। जब भी आप कूल माइंड में होते हैं तभी इस प्रकार की चीज़ों में हाथ लगाएं। अभी इसका हम कवर लगा देते हैं दोस्तों, देखिए। और साइंस आप फिर से जान लें कि अभी इस फ्रिज में क्या इश्यूज थे। और इस चीज़ में दोस्तों और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये कंप्रेसर चल रहा है या नहीं, क्योंकि ये टेक्निक आपकी काम करेगी तभी जब ये कंप्रेसर के हाथ के ऊपर आप अगर हाथ रखें और कंप्रेसर चल रहा है, तो उसी सिचुएशन में ये ट्रिक काम करेगी वरना नहीं करेगी। इसका भी ध्यान रखें दोस्तों। अभी इसी फ्रिज को चालू करें और देखें दोस्तों कि ये चालू हो रहा है या नहीं। हाँ दोस्तों, ये फ्रिज चालू हो चुका है। अभी देखते हैं कि इसमें कूलिंग हो रही है या नहीं, इसके लिए हम थोड़ी देर क्या इसमें कूलिंग हो रही है या नहीं। एक 5 मिनट छोड़ने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कूल, हाँ दोस्तों यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, इसका मतलब ये फ्रिज अब ऑपरेट करने लगा है फिर से। और दोस्तों बहुत सारे पैसे मैंने यहाँ पे बचा लिए हैं, टेक्नीशियन को बुलाना ये वो सब टेंशन कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ 300 रुपये में मेरा फ्रिज रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।